अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 and 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t इज इक्वल टू, हमें t की वैल्यू गिविन है और हमने क्या करना है, t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1/t की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने लिखा 1/t, ठीक है, हमने लिखा 1/t की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड का साइन, और जो t की वैल्यू है वो हमने लिखनी है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जब भी डिवाइड के साइन को अगर हमने मल्टीप्लाई में तब्दील करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिरेटर में तब्दील हो जाता है और जो न्यूमिरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में तब्दील हो जाता है। मीन्स जो ऊपर होती है वैल्यू वो नीचे आ जाती है और जो नीचे होती है वो ऊपर चल जाती है। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई ऊपर चला गया और एक्स माइनस वाई नीचे आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू, 1/t की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने टी प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम टी की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, देन बीच में प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगाएंगे और 1/t की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, हमने पहले फाइंड की है तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फॉर्म में जब भी वैल्यू होती है तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं तो इनका हमने फैक्टर कैसे फाइंड करना है, जस्ट हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अगर टू टाइम्स होती कोई वैल्यू तो हम उन दोनों का पेयर बना के उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, जो बच गया क्या है, एक्स माइनस वाई हमने ये लिखा, और इस एक्स माइनस वाई को हमने जो ऊपर एक्स माइनस वाई था इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखा। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक्स माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गया, जो एक्स प्लस वाई था ये हमने लिखा, इस एक्स प्लस वाई को ऊपर वाले एक्स प्लस वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है स्टूडेंट। तो अब देखिए, हमने कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, इस एक्स को और इस पहले एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। देन हमने इसी तरीके से वाई को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर वाई को हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस का एक्स वाई आया, माइनस इंटू माइनस प्लस का वाई स्क्वायर आ गया। देन ये प्लस है तो ये लिखा, और ये इस एक्स को भी इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाई को भी इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये वैल्यू को हमने ऐसे लिख देना है। अब इस स्टूडेंट से हमने चेक करना है, अगर दोनों अपोजिट साइन होंगे और सेम वैल्यू होगी तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई ये आपस में कैंसिल हो गया। अब जो बच गए हैं इनके सेम साइन है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दोनों टर्म में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो हमने बाहर लिख देनी है, और जो कॉमन नहीं है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक सॉल्व करेंगे क्योंकि यही बुक में हमारे पास आंसर है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 है हमारे पास, यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना, अपनी वैल्यूज़ को पहले पुट करना है। तो 5 लिखा हमने, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 4 है, एंड वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 9 है, ठीक है। देन हमने 3 लिखा, एक्स की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर, और वाई जो अंडर रूट है, देखें अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है,
यानी कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और वाई की वैल्यू हमने लिखनी है 9 प्लस 6 की जगह पे हमने 6 लिख देना है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया माइनस का 20 प्लस का 5 9 था 45। ठीक है, अगेन हमारे पास ये जो स्क्वायर होगा जिसके ऊपर भी पावर है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा 4 4 16, और अगर जो पावर होगी वो इवन नंबर होगी तो हमारे पास जो इसका साइन है वो प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे ब्रैकेट ही लगाएंगे या फिर हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इट मींस मल्टीप्लाई है, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया 4 4 16 प्लस का 16 आ जाएगा। देन अगेन हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 किसका स्क्वायर है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, इट मीन्स 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। तो हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, और ये हमारे पास 1/2 था ये भी लिख दिया, प्लस का 6 था ये भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है माइनस इंटू प्लस माइनस, 45 में से 20 माइनस करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस का 25। ठीक है, प्लस का 25 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने लिख दिया 25। अब यहाँ पे देखिए हमने 16 3 था 48 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें ये 3 है ये 2 2 से कैंसिल हो गया, हमने इस 3 को लिख दिया प्लस 6। अब हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 एज इट इज़ लिख लेंगे, और हमारे पास क्या है 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144 प्लस का 6 है, 144 में हम प्लस कर देंगे 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/150। ठीक है, तो 44 में 6 प्लस किए तो 50 आ गए, तो हमारे पास आ गया 150। तो स्टूडेंट्स अगर हम 25 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 150, तो हम 25 1 था 25 25 6 था 150। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 1/6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 को भी इसी मेथड से सॉल्व करना है, हमने हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की, तो हमने सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास हम 42 को लिख लेंगे ऐसे ही, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। देन हमने लिखा 3 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस का 1। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास इनकी पावर्स हैं उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने 42 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास आया 126। देन हमने ये लिख दिया, और 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 है, हमने 4 लिख दिया, 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मींस मल्टीप्लाई है। हमने लिखा 3 3 3 था 9 एंड 2 हमारे पास ऐसे ही है प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमने 126 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 504/3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 था 27 27 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 54 एंड 54 में इस 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 55। ठीक है, अब इस स्टूडेंट्स ये इस फॉर्म में हमारे पास आंसर, हमने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में अपने हमें आंसर चाहिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 55 को बाहर रखा, 504 को अंदर रखा, 55 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 495 आ जाएगा। तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पे 9 बच गया था, तो 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 4 बच गया था, 4 में से 4 गए 0। आप इसको खुद से डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो सबसे नीचे वैल्यू होती है वो हमारी सबसे ऊपर चली जाती है, और जो सबसे ऊपर होती है वो इधर साइड में आ जाती है, और जो साइड में होती है वो सबसे नीचे, मीन जो पहले नीचे थी हमारे पास वो भी नीचे ही वैल्यू होगी, जो सबसे नीचे थी वो ऊपर चली गई, जो सबसे ऊपर थी वो साइड में आ गई।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट थ्री को भी सेम उसी मेथड में सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है अपने उन नंबर में हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास टू प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास क्या है माइनस फोर, देन हमारे पास इन दोनों के ऊपर क्या है थ्री है माइनस है, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री एंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू है टू एंड वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस फोर एंड प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास थ्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है इनके ऊपर जो पावर है उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है टू माइनस फोर और इसकी पावर क्या है थ्री माइनस थ्री 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 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नाइन थ्री थ्री द नाइन एंड टू का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो फोर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय फोर का स्क्वायर क्या है फोर फोर द सिक्सटीन। अगर जो पावर होगी वो इवन नंबर होगी तो हमारे पास साइन जो प्लस में तब्दील हो जाएगा, हमारे पास आ गया प्लस का सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो थ्री थ्री द नाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस का टू। ठीक है, फोर में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का टू और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है हमारे पास पावर थ्री है और इसको ऐसे लिख देंगे सिक्सटीन फोर द सिक्सटी फोर प्लस नाइन। ठीक है, सिक्सटी फोर में अगर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम फोर के साथ हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फोर, उसमें प्लस करेंगे नाइन। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे हमारे पास टू है माइनस का और इसके ऊपर पावर थ्री है, तो जब भी हमारे पास पावर होती है ओड नंबर तो हम क्या करेंगे साइन हमारा माइनस ही रहेगा और टू का जो अब क्यूब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू टू द फोर एंड फोर टू द एट, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का एट माइनस का नाइन ऐसे लिख लेंगे। और सिक्सटी फोर में अगर हम नाइन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेवेंटी थ्री, ये आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, हमने इन दोनों का प्लस किया तो हमारे पास आ गया सेवनटीन माइनस का अपॉन सेवनटी थ्री जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट फोर को भी सेम उसी मेथड में सॉल्व करना है। हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, हमने थ्री लिखा एक्स की जगह छोड़ दी, ऐसे अगर आपको उस तरीके से मुश्किल होती है तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो है टू, वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन और जेड की वैल्यू है हमारे पास थ्री। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास फोर एंड मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सी की वैल्यू है वन अपॉइंट थ्री और ये है हमारे पास एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू है टू प्लस वाई की वैल्यू है माइनस सॉरी प्लस वन, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा थ्री इंटू टू का स्क्वायर क्या होता है फोर होता है माइनस वन अपॉन क्या है यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, माइनस वन तो वन के साथ है लेकिन इन दोनों के बीच में कोई निशानी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके माइनस वन ऐसे करना है हमने। ठीक है, और थ्री लिख दिया हमने माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फोर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखें ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन द फोर एंड थ्री वन द थ्री, हमारे पास क्या आ जाएगा फोर अपॉन थ्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर अपॉन थ्री। यहाँ पे टू प्लस वन है हमारे पास क्या है थ्री आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, देखें स्टूडेंट्स इस फॉर्म में वैल्यू है तो हमारे पास ये फोर अपॉन थ्री को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा फोर अपॉन थ्री। अब इस अपॉन को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे डिवाइड की फॉर्म में, और इस थ्री को हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो समझो वन है। ठीक है,
अभी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में तब्दील करना होता है तो हमने राइट साइड की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 1 4 एंड 3 3 9, हमारे पास इस पूरी वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4/9 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू की जगह पे जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है क्या लिख देंगे, 4/9 लिख देंगे। तो हमारे पास 3 4 12, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 4/9, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई किया अभी आपको समझाया। अब देखें दोनों के बीच में माइनस है तो हमने 3 और 9 का फैक्टर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक और तरीका भी होता है, हम इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 4 आ गया, 3 3 9 हो गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, अगर वो तरीका अप्लाई करें तो वो भी अच्छा है, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। तो अब हमने क्या करना है, 3 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करके बता देते हैं आपको, तो इन दोनों 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9। तो हमने 3 और 9 की जगह पे क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। अगर हम इस 9 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। बीच में 3 आया ना, उस 3 को हमने इस माइनस के 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में माइनस है तो माइनस लिखा। अब ये भी 9 है और ये भी 9 है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास 4 का 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 36 माइनस का 36 माइनस का 4/9। अब देखें माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 36 में से 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 40/9, जो कि हमारे पास हमारे बुक में आंसर है, ठीक है, यही बुक में हमारे पास आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 को भी सेम हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, ए की वैल्यू है 1 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 3, देन माइनस है, सी की वैल्यू है हमारे पास -3, ठीक है, अपॉन ए है हमारे पास 1 प्लस सी है हमारे पास -3 एंड डी है हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमारे पास जो राइट साइड पे रेशनल एक्सप्रेशन है इस पे भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3 प्लस डी की वैल्यू है 2, देन ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है 3 माइनस डी की वैल्यू है 2, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमारे पास जो भी इनके ऊपर पावर है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 के ऊपर पावर क्या है, 2 है तो 3 3 9 होता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9 ही रहेगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ठीक है, अपॉन हमने ये लिखा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 के ऊपर पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, 1 के ऊपर पावर 2 है तो 1 का स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 के ऊपर जो भी पावर होती है वो 1 ही रहता है और 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम रहता है, तो 3 1 3 आ गया, माइनस 2 हमने ऐसे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने 9 में 3 को प्लस किया है एंड 4 3 12, 1 माइनस ऐसे लिख दिया है, माइनस 1 भी लिख दिया है और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 एंड यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस का 11। अब देखें स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 12/11, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने अपने इन सभी पार्ट्स को सॉल्व किया है।
अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।